यहाँ पर एक म्यूजिक वीडियो के लॉन्चिंग के सिलसिले में आयोजित प्रेस वार्ता के लिए इकट्ठा हुए हैं और आप सभी लोगों को देखकर बड़ा अपार खुशी हो रही है क्योंकि आप बहुत भारी तादाद में आए हैं। इस म्यूजिक वीडियो की खासियत ये है कि ये मोहम्मद अजीज साहब के आखिरी गानों में से एक है। आप सभी उनके नाम से वाकिफ हैं कि उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा गाने हिंदी सिनेमा के लिए गाए हैं और एक लंबा दौर उनका रहा है हिंदी सिनेमा में। तो ये हमारी कोशिश होती है कि उनका गाया हुआ गाना हमने उसका वीडियो डायरेक्ट किया है। मैं बतौर डायरेक्टर के रूप में इससे जुड़ा हूँ। मेरा नाम अरविंद पांडे है और इस गाने को डायरेक्ट करने के लिए निश्चित रूप से एक चैलेंज जैसा लग रहा था क्योंकि बहुत अच्छी थीम थी, बहुत वाइड थीम थी, बहुत सारा कुछ कह रहा है ये गाना, इसके बोल बहुत कुछ बता रहे हैं जिसमें सिर्फ एक वन टू वन कैरेक्टर नहीं है बल्कि पूरी एक कौम बात कर रही है, पूरी सोसाइटी बात कर रही है। वही मैं बता रहा हूँ कि जब पूरी कौम बात करती है, बहुत सारी सोसाइटी बात करती है तो बहुत सारे किरदार रखने पड़ते हैं और चूंकि कहानी है इस गाने में तो कहानी बहुत सारे कैरेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसमें एक हिंदू परिवार है, एक मुसलमान मित्र है, दोनों की अपनी केमिस्ट्री है जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी भी है बहुत ख़राब भी है। उसके व्हाट्सएप मैसेज पे गलत फेक मैसेज आता है और वो फेक मैसेज उन दोनों की दोस्ती के बीच में दरार डाल देता है। अब ऐसी दरारें हमारे समाज में गाये बगाए देखने को मिलती हैं और फिर हम ये कहते हैं क्या ये हिंदुस्तान है। तो इसी बात को, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पूरे गाने की स्टोरी हमने कही थी और फिर ये सवाल कि जो बापू ने, जो दादी जी ने हमारा हिंदुस्तान देखा था, क्या ये वही हिंदुस्तान है? तो नज़र आता है बिल्कुल नहीं। और जो भी चीज़ें आज घटित हो रही हैं उसको बापू की रूह या बापू देख रहे हैं और दुखी हुए हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे आपस में लड़ेंगे, ऐसे हमारे बीच में इंसानियत शर्मसार होंगे, ऐसे दो कौमें एक दूसरे को ब्लेम करेंगी मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, और लोग पॉलिटिक्स करेंगे और अपनी रोगी हासिल करेंगे। तो बापू की आत्मा जो है वो परेशान हो गई है और फिर दोनों दोस्ती जो दोस्त हैं वो उनको अपनी गलती का एहसास होता है, वो गले मिलते हैं और फिर दोनों को एक साथ एक नए ख्वाब के साथ हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं। पहला काम है जो सोशल है, जो इस टाइप का जो दोनों कौम को एक साथ जोड़ता है। तो कई इंटरव्यूज में बोला है मैं आपसे मिलता जाना और इसके जो गोल है सुनाता हूं। नफरतों की आग में जल रहा इंसान है, नफरतों की आग में जल रहा इंसान है। ऐ मेरे दिल तू बता क्या ये हिंदुस्तान है? मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्या क्या यार गवा बैठे हो, मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्या क्या यार गवा बैठे। अशफाक भगत के विरसे को दो पल में यार लुटा बैठे। सदियों से पली मोहब्बत को, सदियों से पली मोहब्बत को मिट्टी मोल लुटा बैठे। मर गई इंसानियत बन गया हैवान है, क्या ये हिंदुस्तान है? क्या ये हिंदुस्तान है? इसका पहला बंद है। तुम लड़े मरे बर्बाद हुए, बोलो तुमको क्या हासिल है? तुम लड़े मरे बर्बाद हुए, बोलो तुमको क्या हासिल है? इन खुद गर्जों को लहू से तेरे यार हुकूमत हासिल है। जो फैलाए नफरत को, जो फैलाए नफरत को वो लानत के काबिल है। मर गई इंसानियत बन गया हैवान है, क्या ये हिंदुस्तान है? क्या ये हिंदुस्तान है?
इसके बोल रहे हैं क्या ये हिंदुस्तान है, तो बोल सुन के लगता है कि कुछ ऐसी बात हो रही है जो आज हमारे समाज और हमारे देश के हालात हैं उसको देखते हुए हम कैसे पॉजिटिव चीज़ों को रख सकते हैं लोगों के सामने, जहाँ पर कौमी एकता की बात करी जाए, जहाँ पर हिंदू मुसलमान से ज़्यादा इंसानियत की बात करी जाए। क्योंकि मोहम्मद अजीज साहब ने देशभक्ति बहुत सारे तराने गाए हैं और जब भी देशभक्ति की बात आती है तो उनके गीतों से ही शुरुआत और शायद भी होता है। अभी 15 अगस्त 4-5 दिन पहले गुजरा है, तो हम लोग चाह रहे थे कि ये गाना 15 अगस्त को रिलीज़ हो, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इसको 15 अगस्त को रिलीज़ नहीं कर पाए और उसके दो दिन बाद 17 अगस्त को ये रिलीज़ हुआ है। तो आप लोग सभी पता है कि लखनऊ में बीते दौर में बहुत सारा काम हो रहा है, शॉर्ट फिल्मों का, म्यूजिक एल्बम का, फिल्मों का, ऐसे समय में एक छोटा सा गाना, एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश करी गई जो खालिस लखनऊ से ताल्लुक़ रखती है। मेरा इस बात का मतलब यह है कि जिसमें कोशिश ये करी गई है कि ज़्यादातर लोग लखनऊ से हैं या लखनऊ के आसपास के हैं। जी शॉपिंग इसकी कागोरी में हुई है, अहमदाबाद में हुई है और लखनऊ के आसपास भी कुछ जगहों पर हुई है। गाना ये ओरिजिनल गाना है तो इसलिए राइट्स का कोई इशू ही नहीं था। ये गाना मासूम सदरपुरी साहब ने लिखा है और शाद भाई ने इसको संगीतबद्ध किया है, मोहम्मद अजीज साहब ने गाया है, वागी जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, तो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। और कोशिश यही थी कि इसमें कुछ जो 80s का दौर था फिल्मों का उसकी मेलोडी को लेते हुए बात करी जाए। तो विजुअल जब वीडियो की बात आई तो गाने के बोल हमने ये गाना इसका देखिए पोस्ट खत्म हुआ है अभी लास्ट मंथ। अजीज साहब 2018 में या 2 अगस्त को रिकॉर्डिंग हुई थी। देखिए गाने की स्टोरी जो होती है वो राइटर को खुद देता है, जैसे उसकी बोल कहते हैं, जैसे उसका संगीत कहता है, जैसे उसकी गायकी इंडिकेट करती है, हमें वैसे ही स्टोरी बनानी पड़ती है। फिर उस स्टोरी को हम एक्सक्लूड करते हैं या शूट करते हैं माहौल को देख कर आपने या किस तरीके। हाँ बिल्कुल, जो आज का माहौल है, जब भी हम दो कौमें एक दूसरे के दुश्मन होती हैं तो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल उसमें कुछ करते हैं और फिर नजर आता है कि कुछ लोग इससे लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना फायदा है इसमें और हम वो चीज़ें भूल जाते हैं कि नहीं, हमें पहले अपनी चीज़ों को जज करना चाहिए, देखना चाहिए कि सही क्या गलत है। हम होली मनाते वक्त हमें कभी नहीं सोचते हैं कि अब यह कब ये अबीर जो है वो किसी सुहेल ने बनाया है, सदीप ने बनाया है, तब हमें नजर नहीं आता। हम जब चिकन का कुर्ता पहनते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि इसको सुलेमान के हाथ में बनाया है या शमा के हाथ में बनाया है। तो हम तो उस लखनऊ तहजीब के लोग हैं जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की बात करी है, कौमी एकता की बात करी है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी है। हम बड़े मंदिर में एक साथ जो है शरबत पिलाते हैं, एक साथ भंडारा करते हैं, हम नमाजियों को भी रोजे के वक्त भी वैसे ही पानी पिलाते हैं। तो हमने कभी इस तरह के डिस्कशन देखा नहीं। आपको यह महसूस हुआ कि हिंदुस्तान का संस्कृति जो है वो खतरे में है? नहीं, खतरे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हर बार कुछ ऐसे इनपुट जरूर मिलते हैं जिससे लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है। देखिए देश कभी भी गड़बड़ नहीं था, देश पूरा कभी गड़बड़ नहीं होता है, कहीं कहीं कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको मुतासिर करती हैं। काकोरी में हमने बहुत कुछ शो किया है, वहाँ की गलियों में, वहाँ के बहुत सारे जगहों पे, वहाँ एक दरगाह है, उस दरगाह में हमने होली की शूटिंग करी। अब आप सोचेंगे दरगाह के अंदर होली कैसे पिक्चराइज कर ली हमने, वहाँ पर आज तक कोई परमिशन नहीं मिली और हम गए मौलवी साहब से मिले, हमने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा बिल्कुल साहब ये तो दरगाह ही है कृष्ण भक्तों की, इसके जो मौलिया साहब थे वो कृष्ण के उसमें रंग जाते थे और बहुत मस्ती के साथ भजन गाते थे। उस जहनी तासीर के लोग हम ये कैसे मान सकते हैं कि हम हमारे दिल जो है अलग हो सकते हैं, हमारी जिस्म अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी रूहें नहीं नहीं पे। उदास शाम किसी ख्वाब में ढली तो है, उदास शाम किसी ख्वाब में ढली तो है, यही बहुत है कि ताजा हवा चली तो है।
हमारी पूरी टीम का एक प्रयास रहा है इस एल्बम के द्वारा कि कुछ अच्छा पैगाम दिया है। मैंने भी कोशिश किया अपनी लेखनी से कि मैं इसमें बेहतर से बेहतर पैगाम दे सकूं। ये हमारे भारतवासियों की एक बड़ी खूबी है, ये हम सबकी खूबी है कि हम आपस में तो बहुत लड़ते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते हैं और उससे ज्यादा कहीं वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो कहा गया ना कि हिंद वतन है वीरों का और हम इसकी संतान हैं, और जो भी हमको कमतर समझे सुन ले वो नादान है, ये मेरा हिंदुस्तान है इस पर जब कुर्बान है। जब भी बाहर वाला कोई इसको आग दिखाएगा बच्चा बच्चा सीना ताने सरहद पर आ जाएगा, हंसते हंसते देश की खातिर अपनी जान लुटाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये ईमान है, ये मेरा हिंदुस्तान है इस पर जान कुर्बान है। तो बस इन्हीं भावनाओं को रखा गया है और मैंने कोशिश की है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम नई पीढ़ी को बताएं कि हमारे पूर्वज हमारे पुरखे किस बेल मोहब्बत से रहते आए हैं और देश के सामने आए हुए विभिन्न झंझावतों से कैसे निपटा है उन्होंने कौमी यकजहती के साथ। उसी कौमी यकजहती को हमारी टीम ने दिखाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। और एक निवेदन भी है कि आप सभी प्रोत्साहित कीजिए हमारे इस कार्य को, जो हमने एक सामाजिक कार्य किया है लोगों ने, और प्यार दीजिए। और आप लोग प्रेस के लोग हैं, आपके हाथ में तो बहुत कुछ है, लोगों तक हमने अपना काम कर दिया, हमारी टीम ने अपना काम कर दिया है और ये अच्छा सा पैगाम लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप तक है। बस इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।